टेस्ट की कप्तानी को लेकर दादा का विराट बयान, कहा वो चाहते तो आज भी टीम के कप्तान होते। डर कर नहीं, चढ़ कर खेलो, डर कर खेलोगे तो हारोगे। 5 पॉइंट्स में बता दिया भारत का टेस्ट कप्तान अब कौन। टीम इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में मिली हार के बाद टेस्ट कप्तानी को लेकर बवाल मचा हुआ है, जिसमें सभी अपनी अपनी राय रख रहे हैं। किसी का मानना है कि रोहित शर्मा बतौर टेस्ट कप्तान कभी परफेक्ट नहीं दिखे। वहीं कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट एक बार फिर विराट कोहली को टीम इंडिया की टेस्ट कप्तानी देने की वकालत कर रहे हैं। इसके अलावा इंग्लैंड में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले अजिंक्य रहाणे को भी टेस्ट टीम का बेहतर कप्तान बताया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने विराट कोहली और उनकी टेस्ट कप्तानी को लेकर बड़ा बयान दिया है। आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ महीने से गांगुली और विराट के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है और ये मामला विराट की कप्तानी से ही जुड़ा है। इस मसले पर दोनों दिग्गज एक दूसरे पर खूब आरोप लगा चुके हैं। हालांकि अब जब सभी क्रिकेट एक्सपर्ट ने विराट कोहली की टेस्ट कप्तानी की सराहना की है, तब पूर्व दिग्गज कप्तान सौरव गांगुली ने भी विराट को लेकर एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए एक बड़ा बयान दिया है। आज इस वीडियो में हम आपको उसी बयान के बारे में बताएंगे और साथ ही उन्होंने भारतीय टीम को लेकर जो बातें की है उसके बारे में भी बताएंगे। पूर्व भारत के कप्तान सौरव गांगुली ने कहा है कि बीसीसीआई नहीं चाहता था कि विराट कोहली टेस्ट कप्तानी छोड़े। उनसे टेस्ट की कप्तानी न छोड़ने के लिए अनुरोध भी किया गया था। उन्होंने कहा कि कप्तानी छोड़ने का फैसला विराट का ही था। हमने जब यह खबर सुनी तो हम भी हैरान हो गए थे। बीसीसीआई इसके लिए तैयार भी नहीं था। उस वक्त टीम में रोहित शर्मा ही बेहतर कप्तान के विकल्प थे। आपको बता दें कि विराट ने जनवरी 2022 में टेस्ट की कप्तानी छोड़ी थी। यह फैसला उन्होंने साउथ अफ्रीका सीरीज में 2-1 से हार के बाद लिया था। उन्होंने नवंबर 2021 में T20 वर्ल्ड कप में हार के बाद T20 की कप्तानी भी छोड़ दी थी। दिसंबर 2021 में उन्हें वनडे टीम की कप्तानी से हटा दिया गया था। इसके अलावा सौरव गांगुली ने भारत क्रिकेट को लेकर 5 पॉइंट्स में अपनी बातें कही है। रोहित कप्तान के लिए अभी भी बेस्ट। सौरव गांगुली ने कहा, रोहित ने 5 IPL खिताब जीते हैं। उन्होंने 2018 में भारत को एशिया कप में भी जीत दिलाई थी। रोहित को अब तक बतौर कप्तान जो जिम्मेदारी दी गई है उसमें वो सफल रहे हैं। इस समय भारतीय टीम की कप्तानी के लिए रोहित ही ठीक है। रोहित और द्रविड़ को आगे आने वाले टूर्नामेंट में ज्यादा रिस्क लेने की क्षमता दिखानी होगी। WTC में T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल वाली गलती दोहराई। सौरव गांगुली ने कहा कि WTC फाइनल में टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल वाली गलती दोहराई है। टीम खिताबी मुकाबले में रिस्क लेने की हिम्मत नहीं दिखा सकी। भारतीय टीम को रिस्क लेना चाहिए था। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना बेहतर होता और इससे टीम की मानसिक मजबूती सामने आती। 2006 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में राहुल द्रविड़ ने बतौर कप्तान कठिन पिच पर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया था और उस मैच में जीत भी दर्ज की थी। पंत की पारी से हम ऑस्ट्रेलिया में जीते थे। सौरभ ने कहा, फाइनल में टीम डरी डरी सी दिखी। फाइनल जैसे मुकाबलों में उन्हें सोचना होगा कि हमें किसी को कुछ साबित नहीं करना है। भारत बहुत अच्छी टीम है। टीम ने पिछले 2 साल में काफी कुछ जीता है। टीम इंग्लैंड में 2 टेस्ट मैच भी जीती है। उससे पहले टीम ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐतिहासिक जीत के साथ साथ सीरीज अपने नाम करने का कारनामा भी दिखा चुकी है। उस मैच में ऋषभ पंत ने शानदार पारी खेली थी। तब कई बड़े खिलाड़ी उपलब्ध नहीं थे। यहाँ ओवल में पहले 2 सेशन में हम पीछे चले गए और वहाँ से रिकवरी नहीं हो सकी। टीम ने चढ़कर खेलने की कोशिश ही नहीं की। उम्मीदों के बोझ तले दब गए हमारे खिलाड़ी। पूर्व कप्तान ने कहा कि फाइनल में जो चीजें मुझे नहीं दिखी वो थी कि चलो लड़ते हैं। यह अप्रोच मुझे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भी नहीं दिखी। हमारे खिलाड़ी उम्मीदों के बोझ के तले दब गए, उससे निकलना जरूरी है। हार गए तो हार गए। इस टीम के पास इतनी प्रतिभा है कि मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या ये बार बार हारेंगे। इस टीम को रिस्क लेने की जरूरत है। राहुल द्रविड़ और टीम मैनेजमेंट को सोचना होगा कि डर को पीछे छोड़ना है। फैंस को अपनी टीम की तारीफ करनी चाहिए। सौरव गांगुली ने अंत में कहा कि जो भारतीय फैंस क्रिकेट देखते हैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि भारत दूसरी बार WTC फाइनल पहुंचा है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। हम जीत भी जाएंगे। जीतने के लिए मैं समझता हूँ कि बिना डरे खेलना होगा। जब हम खेलते थे तो हमारे भी बल्ले के किनारे लगे हैं, हम भी हारे हैं। खुलकर खेलो, हारोगे ही, बीच बीच में जीत भी जाओगे। जिस टीम में इतने बड़े बड़े नाम है वो बार बार वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं हारेगी।